हे गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। सो गाइस, ये है कोमाकी का LY स्कूटर, जिसका रिव्यू हमने लास्ट वीडियोस में किया था। सो, अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा तो आप लिंक में जाके देख सकते हैं, लिंक में जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आज इसका जो है अपन करने वाले हैं राइड रिव्यू। चला के देख लेते हैं इस स्कूटर को कैसा चलता है। मोटा मोटा एक बार बता देता हूँ इस स्कूटर के बारे में। ये है कोमाकी की तरफ से LY इलेक्ट्रिक स्कूटर। बात करूँ इसके पावर फिगर्स की, तो इसमें जो है आपको 1.5 किलोमीटर वॉट की मोटर मिल जाती है, और मैक्सिमम आउटपुट पावर आउटपुट जो है 3000 वॉट का है इसका। और जो मैक्सिमम स्पीड है, स्पीड के बारे में बात करें तो मैक्सिमम स्पीड 50 to 60 मिल जाती है। रेंज जो है वो है इसकी 80 to 100 किलोमीटर सिंगल चार्ज पे। और इसकी जो बैटरी है 62 वोल्ट्स की, 34 AH की आपको इसमें बैटरी देखने मिलती है। सो, इसको चला के देख लेते हैं। यहाँ पे आप देखोगे तो स्विच क्वालिटी वगैरह सब कुछ आपको दिख रही है। मैं स्टार्ट करूँगा पहले गियर से। इसमें 3 गियर्स आपको मिलते हैं, 1, 2, 3। सो, अभी इसमें दिखा रहा है सिंगल 1 गियर। तो हो सकता है ज़्यादा लाइट की वजह से आज जो है जो धूप है वो तेज़ है, तो उसके चक्कर में यहाँ से नहीं दिखे, लेकिन मुझे क्लियर दिख रहा है। सो, स्टार्ट करते हैं। अभी पार्किंग मोड पे है, जैसे मैं क्लिक करता हूँ पार्किंग मोड से राइड मोड पे आ जाता है। इनिशियल पिकअप काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा भाई साहब, सही में गजब का है यार, गजब की पावर। छोटा सा स्कूटर है लेकिन पावर बहुत ही गजब की है। और स्पेस देखो यहाँ पे, कितना सारा स्पेस आपको मिलता है। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगती है इन ब्रांड्स की, कि जो स्पेस है उसमें कोई कमी नहीं आएगी आपको। देखो, आराम से पैर फैला के बैठ सकते हो। मैं यहाँ पे आगे बैठा हूँ सीट पे, आराम से पैर फैला के बैठ सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। काफ़ी अच्छी स्पेस आपको मिल जाती है यहाँ पे, अच्छा खासा सामान आप रख सकते हो। सो, इनिशियल पिकअप काफ़ी अच्छा है स्कूटर का। और अभी मैं थर्ड गियर में हूँ, और शायद आपको स्क्रीन विजिबल हो तो टॉप स्पीड भी दिखा देता हूँ एक बार। ओके, 55-56 पे अभी टॉप स्पीड पे जा रही है। बाकी हैंडलिंग की बात करूँ, हैंडलिंग काफ़ी अच्छी है, सिटी के हिसाब से काफ़ी अच्छे से बनाई हुई है। और जर्क वगैरह की बात करूँ तो ये थोड़ा सा बहुत अच्छे से सस्पेंशन जो है जर्क को मिनिमाइज़ कर रहे हैं बिल्कुल ठीक है। एक बार ब्रेक चेक कर लेते हैं। सो, अभी 55 की टॉप स्पीड पे है, ब्रेक में अप्लाई करता हूँ ये, बहुत अच्छी है यार, सही में ब्रेकिंग काफ़ी अच्छी है। रियर ब्रेक एक बार के लिए स्लिप हुआ, क्योंकि इनमें कौन सा ABS आता है, थोड़ा सा स्लिप हुआ, लेकिन क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। मतलब ब्रेकिंग की क्वालिटी जो आपको ना एक तरह से पकड़ आपको लगती है कि हाँ यार ब्रेकिंग रुक जाएगी, ऐसा नहीं लगता कि फिसलेगी या ऐसा कुछ। एक बार और दिखा देता हूँ, ये देखो बिल्कुल आराम से, और सस्पेंशन भी इस तरीके से कवर कर रहे हैं उस ब्रेकिंग के पावर को कि आसानी से एब्जॉर्ब कर पा रहे हैं उसको, जो प्रेशर पड़ रहा है ब्रेकिंग का। सो, काफ़ी अच्छी जो है ब्रेकिंग है। बाकी टॉप स्पीड इसकी जो है, अलग अलग इसमें आपको गियर्स मिलते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट में आपको इसकी जो स्पीड मिलती है 27-28 की स्पीड इसमें आती है। सेकंड गियर में जैसे ही मैं सेकंड गियर डालता हूँ, अचानक से इसमें पिकअप आता है बहुत अच्छा खासा। और जो सेकंड गियर में स्पीड है वो है 47 की। तो आप इसको काफ़ी फन टू राइड स्कूटर आप इसको बोल सकते हो। और सिंगल हैंड ही है, काफ़ी अच्छे से आप इसको जो है कंट्रोल कर पाओगे। फर्स्ट गियर में जो इसकी टॉप स्पीड थी 27, सेकंड में 47 और थर्ड गियर में 55-56 तक के मुझे लेके गई है ये। तो अच्छी स्पीड आप इसको बोल सकते हो। और ब्रेकिंग काफ़ी अच्छी है, पावर काफ़ी अच्छी है, और टायर्स भी काफ़ी अच्छे से रिस्पॉन्स कर रहे हैं। एक चीज़ और दिखा देता हूँ आपको, जो इसका जो रिवर्स मोड है वो भी अप्लाई करके देता हूँ। कुछ स्कूटर्स में जो है प्रेस करके रखना होता है, लेकिन इसमें आपको प्रेस करके छोड़ दिया, उसके यहाँ पे R लिखा हुआ आ जाएगा, मतलब रिवर्स। जैसे ही आप इसको अप्लाई करते हो तो स्कूटर जो है पीछे की तरफ जाने लग जाता है। और काफ़ी अच्छी पावर है, मतलब पीछे भी खींचने में। सो, ओवरऑल बात करो तो इस प्राइस रेंज में जो है एक ठीक ठाक सा आपको जो है
पैक मिल जाता है, 1,09,000 रुपये इसकी ऑन रोड प्राइस है, और इसमें आपकी जो सब्सिडी आने वाली है वो है 8,000 रुपये की। तो ये था एक छोटा सा राइड रिव्यू इस स्कूटर का, जो कि काफ़ी अच्छा लगता है देखने में, काफ़ी अच्छा है। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो करना क्या है, लाइक करना है, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।